दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो अब आप सोच रहे होंगे आज हम क्या लिखे हैं। भाई ना फूड ब्लॉग है ना दुबई का कोई ब्लॉग है, आज हम आपको लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे, जो कि हम जा रहे हैं वियतनाम। लेकिन उससे पहले हम आए हैं मुंबई। जी हाँ, मुंबई जाने वाले हैं, सॉरी, यहाँ से जा रहे हैं हम मुंबई और मुंबई से पहुँचेंगे वियतनाम। ये 7 डेज का ट्रिप है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर्स वीडियोज दिखने वाली हैं आपको, तो बने रहें इस वीडियो में। तो दुबई एयरपोर्ट में तो आपको मालूम है सारा प्रोसेस इजी है, चेक इन वगैरह होने के बाद अब हम जा रहे थे अपने गेट्स की, और उससे पहले हमने थोड़ा ड्यूटी फ्री वगैरह में राउंड मारा और देखा। और हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो एमिरेट्स की, ओहो 3 आवर्स की फ़्लाइट थी। मूवी देखते और अमेजिंग सा खाना खाते ही मस्त टाइम निकल गया, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। और एक आध मूवी देखते हैं तो पता नहीं 3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। और खाना तो आप देख ही रहे हो कितना स्वादिष्ट है, और वाकई में खाने में भी बहुत टेस्टी था। और अब हम पहुँच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई से हमारी फ़्लाइट थी कुछ 4 आवर्स 50 मिनट्स की, तो वो फ़्लाइट भी हमारी अच्छे से निकल गई। जर्नी बहुत अच्छी थी, और जब घूमने जाना होता है तो हमें टाइम का मालूम ही नहीं पड़ता यार, 5 घंटे हो या 7 घंटे हो ऐसे निकल जाता है। फ्री टाइम में हमने थोड़ा इडली विडली खा लिया, और अब आप देख गए हो हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और हम वियतनाम भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचते ही हमने पहले ली सिम, जो कि $10 में अनलिमिटेड इंटरनेट मिला हमें 7 दिन के लिए। तो कितना अमेजिंग है यार, $10 में अनलिमिटेड इंटरनेट। और इंटरनेट तो हर जगह आपको चाहिए, इंटरनेट के साथ आपको एक और चीज़ चाहिए जो कि है वहाँ की करेंसी। इंडियन रुपीज में 1 रुपीज का करीबन 280 वियतनाम डोंग था, और AED में जो है 1 दिरहम का 6700 वियतनाम डोंग। तो आइडियली वियतनाम पहुँचते ही आपका भाई हो गया मिलियनर। और जैसे ही एयरपोर्ट से हम बाहर निकले तो गाड़ी हमारी वेट कर रही थी। सिटी टूर करते करते हम पहुंचे नेस्टा होटल, जो कि सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है। नेस्टा होटल मुझे पसंद आया क्योंकि उसके रूम्स बहुत स्पेशियस थे, और तो और उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हैं ये था उनका रिसेप्शन एरिया, और अब मैं आपको लेकर जाती हूँ अपने रूम टूर पर। रूम्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, काफ़ी स्पेशियस थे, एंड जैसा हमने बताया कि नेस्टा होटल की सर्विसेज भी बहुत ही सही लग रही थी। तो अब चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं। तो देखिए ये हमारी लड़की हो रही है तैयार। तो हम कहाँ जा रहे हैं आज? हमने एयरपोर्ट से आकर होटल में चेक इन करके रेस्ट किया, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। अभी हम रेडी हो रहे हैं वॉक इन सिटी टूर के लिए। हमारे ट्रैवल गाइड नीचे होटल की लॉबी में वेट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं सिटी में और क्या क्या है। तो हम चल पड़े हैं सिटी टूर के लिए। वॉकिंग टूर था ये तकरीबन 2 घंटे का, जब हमने देखा वहाँ का पार्क, वहाँ का प्रेसिडेंशियल हाउस, एक चर्च भी आया बीच में जो कि बहुत ही ओल्ड था और बहुत ही एंशंट चर्च के नाम से जाना जाता है। फिर हम पहुँचे बेंथान मार्केट, जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है। मार्केट के बाहर पेपर आर्ट की बहुत सारी हमने चीज़ें देखी जो कि हैंडमेड थी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और हमने देखा वहाँ पे इस मार्केट में क्या क्या था, तो चलिए अंदर जाते हैं। 1 घंटा ऑलमोस्ट हम इस मार्केट में थे, बहुत ही क्राउडेड था, एंड आई कैन सी लॉट्स ऑफ सोविनियर्स देयर। हमने छोटे छोटे बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, स्पेशली मैग्नेट्स बहुत डिफरेंट थे, दनांग के, वियतनाम के, होचीमिन सिटी के, तो वो सब भी हमने ख़रीद लिए यहाँ से। उसके बाद हमने और एक्सप्लोर किया, कुछ सिल्वर एसेसरीज़ भी हमें देखने को मिली। और यहाँ का मार्केट घूमने के बाद हमने सोचा कि अब थोड़ा जाते हैं नाइट लाइफ देखने के लिए, लेकिन अभी उतनी रात हुई नहीं थी, तो हम पहुँचे ओपेरा हाउस की तरफ, जहाँ पे हमने बाहर से ओपेरा हाउस को देखा क्योंकि अंदर कोई शो अवेलेबल नहीं था। एंड देन एक रिवर साइड एरिया भी हमें सजेस्ट किया हमारे गाइड ने, हम वहाँ पर पहुँचे और बहुत सारे लाइव शोज़ चल रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुना है यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही अमेजिंग है, तो हम अंधेरा होने का वेट कर रहे थे ताकि हम बैकपैकर स्ट्रीट जाकर एक्सप्लोर कर सकें। अब इतने में लग गई हमें भूख क्योंकि हम 2 घंटे से चल रहे थे। तो वहाँ पे हमें नज़र आया गुजरात रेस्टोरेंट, जिसका खाना सच में बहुत अमेजिंग था। खाना खाने के बाद हम पहुँचे हैंड क्राफ्टेड चॉकलेट्स लेने के लिए। वहाँ पर हमने डिफरेंट फ्रेश आइसक्रीम्स ट्राई करी, एंड मेरी फेवरेट थी कोकोनट वन। अनिल ने ट्राई किया था पैशन फ्रूट आइसक्रीम। आइसक्रीम और खाने के बाद, चॉकलेट्स की शॉपिंग के बाद, हम पहुँचे लाइव एक्टिविटीज़ देखने। आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त लोग कैसे कंफर्टेबल होके सांप के साथ खेल रहे हैं। दैट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस, और ये हमारे दोस्त को इतना मज़ा आ गया था कि ये फ़ोटो से बाहर नहीं आ पा रहा था। वैसे इतना रिस्की भी नहीं था, लेकिन
मैंने ट्राई नहीं किया। रिवर साइड स्ट्रीट पे लाइव शोज देखने के बाद मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था जब हमने पोर्ट्रेट स्केचिंग कराई और अनिल का फेस आप देख सकते हैं, इट वॉज ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अनिल। मेरा भी उन्होंने बहुत अच्छा पोर्ट्रेट स्केचिंग बनाया। और इसके बाद फाइनली रात हो चुकी थी और हम पहुंच गए वहां की नाइट लाइफ देखने।